गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं सुशील कुमार राठौर, आपके इंग्लिश का अध्यापक। आज आपको इंग्लिश का चैप्टर 1 सिंपथी पढ़ाएंगे। आई लेन सोरो डीप स्ट्रेस्ड माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ट हिज लुक्स वर कोल्ड ही गेव मी कोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड। मैं दुख में सोया हुआ था, बहुत गहरा दुख था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ट, मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना, उसने लापरवाह होकर मुझे देखा और उसने मुझे सोना दिया, लेकिन एक भी सहानुभूति का शब्द नहीं कहा। माई सोरो पास आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी ही स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। मैं अपने दुख से गुजर गया, तब मैंने उसका सोना उसे वापस कर दिया, तब मैं खड़ा हुआ और मैंने उसको धन्यवाद दिया और उसके दान के लिए उसे आशीर्वाद दिया। आई लिव इन वांट एंड ग्रीफ एंड पे, मैं दुखी था अपनी आवश्यकताओं से, अपने दर्द से। अ पुअर मैन पास्ट माई वे, एक गरीब व्यक्ति मेरे पास से गुजरा। ही वन हैड ही गेव मी ब्रेड, मेरे सिर पर दबाया, उसने मुझे खाना दिया। ही वॉच्ड मी डे नाइट, उसने मेरी देखभाल की रात और दिन। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल इज इट टू, कैसे मैं उसके इस बलिदान को वापस कर पाऊँगा, उसके दया को वापस कर पाऊँगा, उसके काम को वापस कर पाऊँगा जो उसने मेरे साथ किया। ओ गोल्ड इज ग्रेट, ओ सोना महान है, बट ग्रेटर फॉर इज हैवली सिंपथी, लेकिन सहानुभूति से ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये कविता कंपोज की है चार्ल्स मैके ने। आप बच्चों को ये कविता 8 लाइन की अपनी इंग्लिश नोटबुक में लिखनी है। धन्यवाद।